शाजापुर जिला मुख्यालय पर संकट प्रबंधन समूह की बैठक में प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार पहुंचे। कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली गई। प्रेस वार्ता में शिक्षा मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार कोरोना संकट काल को देखते हुए हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के विद्यार्थियों का सिलेबस कम करेगी। अपना घर अपना विद्यालय योजना को सफल बनाने के लिए सरकार संकल्पित होगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने कोरोना से बचाव कार्यों की समीक्षा की। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूकता अभियानों स्पॉट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मंत्री इंदर सिंह परमार ने सभी से कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर जन जागरूकता अभियान चलाने की अपील की। कोरोना से जनता की रक्षा हेतु क्षेत्र में कोरोना के आगामी दिनों में संक्रमण की स्थिति पर विचार कर त्योहारों और धार्मिक आयोजनों को स्वीकृति दी जाएगी। भारत सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय ने गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन के इर्द गिर्द हमने भी प्लानिंग की है। ऑनलाइन क्लासेस, बड़ी क्लासेस ऑनलाइन चले, लेकिन प्राइमरी और मिडिल इनमें थोड़ी कठिनाई थी, उसको भी हमने कोशिश की है कि उसको अपना घर अपना विद्यालय अभियान चला करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं, बहुत सारे बच्चों के घर में टीवी नहीं है, बहुत सारे बच्चों के यहाँ रेडियो नहीं है, और इसके द्वारा ऑनलाइन सारी व्यवस्था करने का उसका टाइम भी फिक्स किया है। छोटे बच्चों पर ज़्यादा देर तक वो भी नहीं चलाएं, लेकिन उसमें हमने एक मोहल्ले में जा कर के शिक्षक वहाँ जाएंगे, चार पाँच बच्चे से ज़्यादा नहीं, डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको थोड़े समय के लिए पढ़ाने का काम करेंगे, ताकि जो पिछड़ रहे थे हम उसको कवर कर लें। दूसरा, उसमें भारत सरकार ने गाइडलाइन में कहा है कि हम अपना सिलेबस भी कम कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय संकट है, विशेष परिस्थितियां हैं, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि उसमें से कुछ सिलेबस कम करें, ताकि हायर सेकेंडरी के हाई स्कूल के बच्चों को विद्यार्थियों को भी एकदम बड़ा भार नहीं पड़े। इकतीस तारीख तक तो भारत सरकार ने रोक लगाने का निर्देश दिया था, उसी का हम पालन कर रहे हैं, लेकिन आगे इस कोरोना की परिस्थिति को देख करके हम विचार करेंगे, तो उसकी समीक्षा हम अगस्त के महीने में करेंगे। उसके बाद अगस्त में यदि केसेस बढ़े तो फिर आप सब जानते ही हैं, क्योंकि ये इसे ज़्यादा रिस्क लेने का नहीं है, इसलिए अब इसको कह सकते हैं कि एक दो महीने तो शायद मेरे ख्याल से अभी हम बहुत ज़्यादा स्थिति कहने लायक। शाजापुर से हरीश कुशवाहा की रिपोर्ट।